एक मॉडल है कांग्रेस का गारंटी मॉडल, जो हमने कहा और करके दिखाया, और दूसरा मॉडल है भारतीय चोंबू पार्टी का चोंबू मॉडल। काली चोंबू जो है वो अब बीजेपी और मोदी सरकार की पहचान बन गया है। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट विजेंद्रा और कुमार स्वामी दोनों ने मिलकर, पहले विजेंद्रा ने कहा कि ये गारंटी सही नहीं, और अब कुमार स्वामी इन गारंटियों की शिकायत चुनाव आयोग में करके आए, क्योंकि बीजेपी और जेडीएस का डीएनए गरीब विरोधी है। बीजेपी और जेडीएस का डीएनए कर्नाटक विरोधी है। बीजेपी और जेडीएस का डीएनए महिला विरोधी है, युवा विरोधी है, रायता बंधु विरोधी है। वो ये नहीं चाहते कि कर्नाटक के नौजवान, किसान, महिलाएं, गरीब, गांव और छोटे छोटे शहरों और कस्बों में रहने वाले लोगों को इस गारंटी का लाभ मिले। याद करिए, कांग्रेस ने कहा था चुनाव से पहले कि हम गृह लक्ष्मी स्कीम लागू करेंगे, जहां 2000 रुपया हर महीने महिलाओं को बैंक खाते में मिलेगा, घर की मुखिया महिला को। तो आज 1,25,00,000 महिलाओं को हर महीने कांग्रेस की सरकार 2000 रुपया दे रही है। अगर मैं चिकोड़ी पार्लियामेंट क्षेत्र की बात करूं, जिसमें 8 विधानसभा आते हैं, तो अकेले गृह लक्ष्मी में 5,30,000 महिलाओं को 2000 रुपया हम दे रहे हैं। 5,30,000 का मतलब है कि हर साल लगभग 1,100 करोड़ रुपया कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार चिकोड़ी संसदीय क्षेत्र की महिलाओं के खाते में जमा करती है। हमने दूसरी गारंटी दी थी गृह ज्योति की, 200 यूनिट करंट फ्री। तो आज कर्नाटक में 1,18,00,000 घरों में उनको 200 यूनिट फ्री करंट मिलता है। अकेले हमारे संसदीय क्षेत्र में इनकी संख्या जो है वो लगभग 10,00,000 के करीब है। इसी प्रकार से हमने गारंटी दी शक्ति गारंटी महिलाओं को। आज कर्नाटक में 35,00,000 महिलाएं हर रोज बस में मुफ्त रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बसों में मुफ्त सफ़र करती हैं। पिछले 10 महीने में 195 करोड़ फ्री ट्रिप्स हो चुकी। हमने गारंटी दी अन्न भाग्य की, 10 केजी राइस फ्री हर व्यक्ति को। 4,49,00,000 पीपल गेट दिस मनी इनटू देयर बैंक अकाउंट एवरी मंथ। हमने गारंटी दी युवाओं को युवा निधि की, तो आज 1,50,000 नौजवानों को 3,000 रुपया महीना और 1,500 रुपया महीना का स्टाइपेंड मिलता है, जो अगले आने वाले समय में 10,00,000 की तक युवाओं की संख्या हो जाएगी। ये कांग्रेस की गारंटी है। दोस्तों, इस मॉडल को हम कहते हैं लोगों को सरकार का मालिक बनाना, या लोगों को सरकार के बजट में हिस्सेदार बनाना। अंग्रेजी में इसे कहते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी सरकार के संसाधनों का समान वितरण गरीब से गरीब व्यक्ति को, किसान को, महिला को, युवा को, गांव के आदमी को, शहर के आदमी को। वो अपने भाग्य के विधाता खुद बने और सरकार के मालिक बन जाए। अब हम 5 गारंटी और लेकर आए हैं। दिल्ली में अब कांग्रेस की सरकार जब 4 जून के बाद बनेगी, तो गृह लक्ष्मी भाग्य लक्ष्मी हो जाएगी, यानी 2,000 रुपया प्रांत की सरकार देगी और 8,300 रुपया हर महीने गरीब महिलाओं के खाते में दिल्ली में जो कांग्रेस की सरकार बनेगी वो जमा करवाएगी। तो कर्नाटक की महिलाओं को 10,000 रुपया हर महीने मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी गारंटी है
युवाओं को अपने पांव पर खड़े होने के लिए हम तीन काम करेंगे। पहला, इस देश में 80,000 करोड़ स्टूडेंट लोन है, वो माफ, वो वापस लौटाना नहीं पड़ेगा। दूसरा, भारत सरकार में 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं, मोदी जी ने भरी नहीं, 1 साल में 30 लाख बच्चों को नौकरी देंगे। तीसरा, नौजवान अपने पांव पर खड़े हो सकें इसके लिए उन्हें हर महीने 8,300 रुपया देंगे 12 महीने तक, और सब कंपनियों में उनको लगवाएंगे ताकि वो 1 साल में स्किल ट्रेनिंग करें। कंपनी को पैसा नहीं देना, तो हमारे बच्चों को रख लेगी और पैसा दिल्ली की सरकार देगी बच्चों का, ताकि हमारे बच्चे ट्रेन हो सके। तीसरी गारंटी है हेल्थ की गारंटी। हिंदुस्तान और कर्नाटक के हर परिवार को 25 लाख रुपए का मुफ्त बीमा मिलेगा हेल्थ का। हम एक कार्ड देंगे, उस पर हर परिवार के सदस्य का नाम है, आप कहीं जाइए 25 लाख रुपया तक हर साल आप फ्री इलाज करवा सकते किसी अस्पताल से। चौथी गारंटी है किसानों को, रायता बंधुओं को। मोदी जी ने किसान का कर्ज माफ नहीं किया, कांग्रेस ने 72,000 करोड़ रुपया कर्ज माफ किया था, एक बार फिर वो कर्ज छोटे और मझले किसान का अब 3,50,000 करोड़ हो गया है लगभग, वो सारा कर्ज कांग्रेस की दिल्ली की सरकार माफ कर देगी। केवल कर्नाटक के किसानों को मुझे ये लगता है कि 30,000 करोड़ रुपए का लाभ होगा उस कर्ज माफी से। और दूसरा, MSP का कानून बना देंगे ताकि किसी किसान की फसल नष्ट ना हो, ना धान की, चावल की, ना गन्ने की, ना किसी और चीज की। और पांचवी गारंटी है मजदूरों को, मनरेगा मजदूरी 180 रुपया है, उसे बढ़ाकर 400 रुपया करेंगे, कर्नाटक में वो 530 होगी क्योंकि 130 रुपया प्रांत की सरकार देती है, तो 530 रुपया मनरेगा की मजदूरी हर रोज हो जाएगी, और शहर में भी मनरेगा होगा और गांव में भी, तो गरीब साथियों को बहुत उसका लाभ होगा। ये कांग्रेस का गारंटी मॉडल, और मोदी जी का यह है चोम्बू मॉडल, BJP का, भारतीय चोम्बू पार्टी। 15-15 लाख कहाँ गए मोदी जी? चोम्बू ले लो। 2 करोड़ नौकरियां हर साल देनी थी, कहाँ गई? चोम्बू ले लो। 80 लाख करोड़ काला धन स्विस बैंकों से आना था और लोगों को मिलना था, कहाँ गया? चोम्बू ले लो। किसान की आय 2022 तक दुगनी हुई, चोम्बू ले लो। 100 स्मार्ट सिटी बन गए, चोम्बू ले लो। हर आदमी को पक्का घर मिल गया 2022 तक जैसा कहा था, चोम्बू ले लो। ये चोम्बू मॉडल है BJP का, और ये कांग्रेस का गारंटी मॉडल है। हमने जो कहा कर्नाटक में करके दिखाया, लोगों को हम पर विश्वास है, और ये अब देश की सरकार कांग्रेस की बनेगी तो हम करके दिखाएंगे।